नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस कोस क्यूब एक्स डी एक्स, फोर ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, रूट कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो रूट कोस एक्स कॉमन ले लें, फिर यहाँ बचेगा रूट वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस कोस क्यूब एक्स। ठीक है, अब ये वाली टर्म क्या बन रही है, साइन एक्स बन रही है, तो इंटीग्रेशन रूट कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स तो यहां पर आ गया था। ठीक है, और ये जैसे होल पे रूट था ना यहाँ पर, तो इस पे भी स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कोस क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे रूट था, तो यहाँ भी तो रूट आएगा, यहाँ भी रूट आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये टर्म आ गई, अब यहाँ पर आप क्या कंसिडर कर लो, लेट टी इज इक्वल टू कॉस टू द पावर थ्री बाई टू एक्स कंसिडर कर लिया हमने, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी आ जाएगा, थ्री बाई टू आगे आ गया कॉस एक्स का ये रूट आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री बाई टू तो आगे आ गया, रूट कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बनेगा इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो माइनस आगे आ गया, साइन एक्स आ गया और एक्स का डी एक्स आ गया। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस टू बाई थ्री डी टी इज इक्वल टू रूट कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो रूट कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स की जगह पर तो हम क्या रख देंगे, माइनस टू बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये तो आ गया न्यूमरेटर की जगह पर। ठीक है, माइनस टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन डी टी आ गया, और यहां पर आपका क्या जाएगा स्क्वायर रूट, भाई यहां पर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स आ जाएगा, तो कोस क्यूब एक्स की जगह हम क्या रख देंगे टी स्क्वायर रख देंगे, तो वन माइनस टी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। सो माइनस टू बाई थ्री साइन इनवर्स टी प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, तो माइनस टू बाई थ्री साइन इनवर्स कोस थ्री बाई टू एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया। टी की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो टी की ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। सो अब यहाँ पर आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन।